त्योहारों की भीड़ भाड़ ने एक बार फिर से कोरोना की दस्तक का एहसास करा दिया है। लगातार दूसरा दिन है जब 25 से अधिक मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना के पाए जा रहे हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन कोरोना के खतरे की आहट है। वहीं इसको लेकर बीजेपी अब सरकार की कमियां तलाश कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार की अनदेखी की वजह से कोरोना एक बार फिर पैर पसारता दिख रहा है। इसलिए कोरोना को लेकर के सरकार के तरफ से जो सक्रियता दिखनी चाहिए और धरातल पे जो बातें दिखाई देनी चाहिए, कहीं न कहीं सरकार में इस बात को लेकर के जो गंभीरता जो दिखाई देनी चाहिए वो गंभीरता नहीं है। केवल बातचीत हो रही है और उसी का प्रभाव है कि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ती जा रही है। इधर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव इस बात को स्वीकार करते हैं कि त्योहारी सीजन की वजह से लगातार केस बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे केस बढ़ रहे हैं उन पर वैसी ही निगरानी भी रखी जा रही है। टीकाकरण भी चल रहा है, लोग सावधानी भी बरते हैं, त्योहारों का मौसम आया है। अभी तक बीते त्योहारों का प्रभाव महसूस नहीं हो रहा है, वरना ये सघन एक साथ जुटने के त्यौहार रहे। दिवाली में इसमें खरीदी होती है, हमारी धनतेरस की खरीदी में बाजार में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो ये संक्रमण के संभावनाएं बनती हैं, तो एहतियात हमको बरतते रहना है। पिछले 2 महीने से लगातार बड़े बड़े आयोजन छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों में सतर्कता की कमी भी देखी जा रही है, जिससे कोरोना को लेकर फिर आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं, जिस पर नियंत्रण सरकार और जनता दोनों को मिलकर करना होगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। आज का हमारा विषय है उत्सव पर भारी कोरोना। छत्तीसगढ़ में त्योहारों की भीड़ भाड़ ने एक बार फिर से कोरोना की दस्तक का एहसास करा दिया है। छत्तीसगढ़ में आम लोग त्योहार पर कोरोना संक्रमण को दावत दे रहे हैं। लगातार बढ़ते कोरोना केस से यही लग रहा है। मार्केट में सुबह से भारी भीड़ दिखाई दे रही है। इस दौरान लोग कोरोना नियमों का पालन बिल्कुल भी करते नजर नहीं आ रहे हैं, जो चिंता और बढ़ा रही है। इस मामले पर अब बीजेपी सरकार को घेर रही है, तो वहीं सरकार इसको लेकर सख्ती बरतने की बात कह रही है। लेकिन सवाल यही है कि कहीं ये फिर से प्रदेश में कोरोना की आहट तो नहीं। आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। मिलिए खास मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी जुड़ रहे हैं और हॉस्पिटल बोर्ड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर राकेश से करना चाहूँगा, बतौर चिकित्सक वो ज़्यादा समझ भी रखते हैं, और उसके बाद मैं हमारे दोनों राजनीतिक मेहमानों के पास आऊँगा। डॉक्टर राकेश, आप कैसे देखते हैं अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में एकाएक जो दूसरा दिन है जहाँ ओवरऑल केसेस 25 से ज़्यादा संख्या में आए हैं, कोरोना मरीजों की संख्या 25 से ज़्यादा आई है, ऐसा दूसरे दिन लगातार हुआ है। त्यौहार भी नज़दीक है, आम लोगों को खरीदारी भी करना है, उत्सव भी बनाना है, ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप? कहीं ये फिर से कोरोना की दस्तक की आहट तो नहीं? हो जाइए सावधान। विषय जी, आपने देखा होगा कि अभी पूरे देश में उत्सव का माहौल है, लोग लगातार खरीदारी करने निकल रहे हैं बाजार में। जो भी उत्सव के प्रति उत्साह को देख के यही हाल है, छत्तीसगढ़ भी इसका छूटा नहीं है। ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है इस सीजन का, और क्योंकि पिछले 2 साल में यह त्योहार नहीं मनाया जा सकता था कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण, लेकिन अपेक्षाकृत यहाँ पर अभी उत्सव का माहौल तो है ही, लेकिन फिर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों ने अभी टीकाकरण नहीं करवाया है या एक टीका करवाया है, उनको कोरोना होने की संभावना, कोविड इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जिन्होंने 2 टीके लगवा लिए हैं उनको भी कोविड प्रोटोकॉल करना उतना ही जरूरी है जिन्होंने टीका नहीं लगाया है उनके हिसाब से। और मास्क का और शारीरिक दूरी का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनको कोविड संक्रमण होने की आशंका बहुत ज्यादा है। आज ही आपने देखा होगा कि रायपुर में पिछले 3 महीनों में पहली कोविड संक्रमण से मौत हुई है, बहुत दुखद है, लेकिन ये केवल सामाजिक अनुशासनहीनता के कारण हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो भी सामाजिक अनुशासनहीनता या कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है उसकी परिणति केसेस बढ़ने के रूप में होगी ही, लेकिन जो लोग
टीकाकरण नहीं करवाए हैं, अपेक्षित शिथिलीकरण भी हो गया है, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने के साथ टीकाकरण की गति में वृद्धि, जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है उनको बहुत सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। और मैं देख रहा हूँ कि जो भीड़ में मास्क के प्रोटोकॉल का पालन है वो करीब करीब नहीं हो रहा है जी। दीपक भाई, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो भी प्रोटोकॉल या जो भी गाइडलाइन सरकारें निर्देशित करती हैं वो बगैर सामाजिक भागीदारी के संभव नहीं है। यदि सामाजिक अनुशासनहीनता या लापरवाही, जिसको मैं कह सकता हूँ कि इसी प्रकार की रहेगी, तो हालांकि तीसरी लहर अभी नहीं आई है लेकिन इसकी परिणति तीसरी लहर के रूप में कभी भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार का ख्याल रखें, टीकाकरण करवाएं और मास्क और सामाजिक गाइडलाइन का शारीरिक दूरी के रूप में पालन करें। मैं बहुत अच्छे से डॉक्टर राकेश, दो चीज़ें आपकी इस पूरी बातचीत से, आपकी इस प्रतिक्रिया से समझ पाया हूँ। पहली बात तो बिल्कुल सरकार प्रशासन का काम होता है कि वो नियमों का पालन करवाएं, गाइडलाइंस जारी करें, लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना है, पब्लिक जागरूक है या नहीं, पब्लिक की सहभागिता उसमें दिख रही है या नहीं। और ऐसा नहीं है कि अब पब्लिक तजुर्बावान नहीं है, पहली और दूसरी लहर पब्लिक यानी आम लोगों ने देख रखी है, उसके बावजूद अगर आम जनता इस पर कोई कोताही या लापरवाही बरत रही है तो फिर वो परिणाम एक बार फिर से पहली और दूसरी लहर का जनता देख ले। चलिए मैं वापस लौटूंगा डॉक्टर राकेश, आपने बहुत अच्छी बात कही है, नियमों का पालन करना है। और देखिए डॉक्टर राकेश ने अपील भी की है कि आप अपना वैक्सीन जरूर लगा लें, अगर पहली डोज लगा ली है तो दूसरी डोज भी लगा लें। ये तो बात हुई एक बतौर चिकित्सक होने के नाते डॉक्टर राकेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं सियासत भी हो रही है, इसलिए हम अब हमारे राजनीतिक मेहमानों की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। सबसे पहले मैं राजीव जी आपसे समझना चाहूंगा, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि एकाएक सरकार एक बार फिर से नाकामयाब हो रही है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रदेश में चल रही है, नियम भी बनाए गए हैं, जनता से अपील भी की जा रही है, लेकिन फिर बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है? देखिए जैसे सड़कों में जो भीड़ उमड़ आई है, बहुत से भीड़, तो वहां पर जनता को सिखाने के लिए कम से कम जनता को कोरोना गाइडलाइन, हालांकि एक अच्छी चीज है कि मोदी जी ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा दिया, और दूसरी अच्छी बात यह है कि लगभग बहुत से लोग इम्यूनाइज्ड हो चुके हैं जिनको दूसरी डोज भी लग चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं दीपक जी जो दुख इस बात का है कि त्योहार सरकार खुद आदिवासी नृत्य महोत्सव के नाम पर, राज्य महोत्सव के नाम पर और बाकी जो दूसरे भी महोत्सव के नाम पर ये जो भीड़ इकट्ठी कर रही है, तो जनता को लगता है कि कोरोना जा चुका है, तो ये एक दुखद पहलू है। तो कम से कम सरकार को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना चाहिए, सतर्कता पूर्वक करवाना चाहिए, ताकि ये जो सड़कों में भीड़ उमड़ आई है, सरकार गंभीर, मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर लड़ना होगा कोरोना से, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था में सुनामी ले आई, कई लोगों के घर में सुनामी लेके आई है। तो कहीं ना कहीं पे जो लैकुना दिख रहा है, जो सड़कों में भीड़ दिख रही है, नागरिकों का भी कर्तव्य है, दूसरी तरफ सरकार का भी कर्तव्य है कि कोरोना के भीड़ को, ये जो जो सड़कों में भीड़ है, ये जो मेले में भीड़ है, ये जो नृत्य उत्सव में भीड़ है, उस भीड़ को रोके। लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया राजीव जी, मैं इस पर ये चाहूंगा, फिर जरूर मैं अभय जी से इस पे जवाब लूंगा। लोगों की ये शिकायत है कि 2 साल से घरों में रहकर नियमों का पालन कर करके हम काफी उब गए, काफी परेशान हो गए। 2 साल से ना राखी ठीक से मन पाई, ना होली ठीक से मन पाई, ना दिवाली ठीक से मन पाई। कहीं ना कहीं लोगों को ढील तो हमें देनी होगी, लेकिन सावधानी के साथ। इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रहा हूं, ना ही इसमें राजनीति चाहता हूं, लेकिन एक बहुत न्यूट्रल कमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना जरूरी है? दीपक जी बिल्कुल बहुत जरूरी है, हर नागरिक कर्तव्य है, और बहुत सारे एनजीओ के माध्यम से लोगों को समझाया गया है कि आज भी दूरी बनाकर रखे, मास्क पहने, जैसे डॉक्टर राकेश जी ने कहा, बहुत सही बात कही कि जनता को भी समझना होगा कि मास्क भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। हम मास्क तो पहन गए, हाथों को सैनिटाइज करते रहे, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है और जनता को भी अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने, राजीव जी भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों को जरूर जागरूक होना चाहिए, लेकिन देखिए बीजेपी इस वक्त छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी है, और एक मजबूत विपक्ष का प्रदेश में, देश में होना किसी भी लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है। इसलिए बीजेपी भी अपनी अगर आवाज उठा रही है तो इसमें कितनी सच्चाई है ये जरूर हमें देखना होगा। लेकिन अभय जी, अब चूंकि आपकी सरकार है सत्ता में, कांग्रेस की सरकार है, क्या आप मानते हैं कि पब्लिक शायद ये भूल गई है कि अब तो कोरोना वोरोना कुछ नहीं है साहब, सब चला गया है, अब तो हम वापस सामान्य जीवन जी सकते हैं,
क्या आप ये पहलू मानते हैं या फिर बीजेपी जो बतौर विपक्ष में बैठी गंभीर आरोप आपकी सरकार पर लगा रही है कि सरकार का एक बार फिर से फेलियर, सरकार नाकामयाब हो रही है नियमों का ठीक से पालन करवाने में, लोगों की भीड़ जो नजर आ रही है ये एक बार फिर बड़ी खतरे की घंटी को छत्तीसगढ़ में ला सकता है, आप क्या मानते हैं? दीपक जी, सर्वप्रथम मैं आपको, राजीव चक्रवर्ती जी को और डॉक्टर राकेश गुप्ता जी को दीपावली की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और बंसल न्यूज और दीपक जी को मैं इस बात की बधाई देता हूँ कि त्योहार के ठीक एक दिन पहले आपने वो चिंता की है जिसके लिए समाज को चिंतित होना चाहिए। हमने कोरोना के दोनों फेज देखे हैं, पहला भी और दूसरा भी, और दूसरा फेज का जो मंजर था उसे हम लोग आज तक नहीं भूले हैं। हर घर में, हर घर के पास पड़ोस में कोई ना कोई मौत हुई। जो लोग त्यौहार नहीं मना रहे हैं, जिनके घरों में कल दिए नहीं जलेंगे, वे ऐसे लोग हैं जो दूसरी लहर में इसका शिकार हुए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। स्वयं की सावधानी, स्वयं का अनुशासन और स्वयं की जिम्मेदारी, जब तक ये भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, दुनिया की कोई सरकार हो, दुनिया का कोई प्रवचन देने वाला व्यक्ति हो, आपको वो सिर्फ बता सकता है, करना तो आपको पड़ेगा। तो मैं बंसल न्यूज के इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छी बहस की है। जो लोग देख रहे होंगे, जो लोग आज खरीदारी करने गए होंगे और जो लोग कल त्योहारों में फिर भीड़ करेंगे, उनके लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने भी वो चिंता व्यक्त की है, राजीव चक्रवर्ती जी ने भी चिंता व्यक्त की है कि हमको मास्क लगाना जरूरी है, सामाजिक दूरी रखना जरूरी है। अब रही भारतीय जनता पार्टी के आरोप का सवाल, विपक्षी पार्टी होने के नाते उनको आरोप लगाना चाहिए, लेकिन राजनीति कोरोना में करना चाहिए ऐसा मैं नहीं मानता। एक तरफ राजीव भाई बोल रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया कि टीके लगवा रहे हैं जी, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार, राज्य सरकार गंभीर नहीं है, राज्य सरकार नित महोत्सव कर रही है। अरे मोदी जी तो विदेश की यात्रा कर रहे हैं, यानी अभय जी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है कोरोना पर, उस पे सवाल उठाएं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, बड़ी बड़ी सभाएं की, बड़े बड़े आयोजन किए, क्या हम उस पे सवाल करें? सवाल इसका नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि तीसरी लहर आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तीसरी लहर आने के पहले हम पहली और दूसरी देख चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा देख के कोरोना नहीं आती। आज जनता को हम कैसे सजग करें? अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम राजनीतिक दल के सदस्य हैं, तो कम से कम अपने सदस्यों को ही हम मैसेज करें कि अपन न भूले कि दूसरी लहर आई थी, अपन न भूले कि कोरोना खतरा तीसरा आ चुका है। और बंसल न्यूज की ये पहल तभी सार्थक होगी जब छत्तीसगढ़ की जनता अपनी जवाबदारी समझेगी, छत्तीसगढ़ की जनता अनुशासित रहेगी। अब रही बात सरकार की, तो सरकार पहली में भी तैयार थी, दूसरी में भी तैयार थी, और तीसरी लहर की जो संभावना है उसको देख के भी हम तैयार हैं। अगर कोई ऐसी लहर ईश्वर की कृपा हो कि ना आए, आती है, तो हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन हम लगातार अपील करें, लगातार लोगों को समझाएं, और सबसे पहले स्वयं पालन करें ठीक, कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो मास्क लगा के निकले, जिनको देख के बाकी लोग सीख ले। चलिए अभय जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस पे राजनीति ना करे, बतौर विपक्ष में बैठी बीजेपी को आवाज जरूर उठाना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखे। लेकिन अभय जी ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, यानी सरकार की तैयारी पूरी है, घबराने की ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन वो आम जनता से भी अपील कर रहे हैं। ये तो बात हुई हमारे दोनों राजनीतिक मेहमानों की, दोनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना अपना तर्क दिया। मैं वापस लौटूंगा छोटी छोटी प्रतिक्रिया के लिए, लेकिन डॉक्टर राकेश एक चीज हम ये भी देख रहे हैं, 4-5 महीने पहले अगर हम लौटे अप्रैल या मई के महीने में जब दूसरी लहर आई थी, तब एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि तीसरी लहर 100% आएगी, 100% आएगी, और उसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर देखा जाएगा। टाइम भी कहा गया कि सितंबर या अक्टूबर में देखने को मिल सकती है, या नवंबर। अब सितंबर अक्टूबर तो निकल गया है, लेकिन क्या हम ये माने कि हमारे देश ने बहुत कम वक्त रहते 100 करोड़ का जो आंकड़ा पार किया है, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट हम कर चुके हैं, ये कहीं ना कहीं कोरोना को रोकने में एक बड़ी भूमिका तो निभा ही रहा है। जनता को लेकिन अभी भी सावधान होना है भाई, जो 100 करोड़ वैक्सीन लगी है वो हमको देखना जरूरी कितने वक्त में लगी है।
16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और 21 अक्टूबर के आसपास 100 करोड़ वैक्सीन लगी। अब हम देखेंगे तो प्रतिदिन करीबन 3,60,000 के आसपास का आंकड़ा आता है। मुझे लगता है कि 140 करोड़ के देश में वैक्सीन लगने की गति काफी धीमी है, लेकिन फिर भी 100 करोड़ वैक्सीन अपने आप में एक उपलब्धि है। लेकिन हमको जितनी तेजी से टीकाकरण करना चाहिए था उतनी तेजी से हम नहीं कर पाए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि वैक्सीन की उपलब्धता उतनी नहीं थी जितनी तेजी से या जितनी तत्परता से देश कहीं ना कहीं टीकाकरण के फोकस में ढिलाई है सभी प्रदेशों में, उसको फिर से फोकस करना होगा। जिन लोगों को दूसरी डोज लगनी थी उसमें से 11 करोड़ लोग नहीं लगवा पाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा तथ्य है। तो जो लोग दूसरा टीका नहीं लगवा पाए उनको मैं चेतावनी के रूप में सलाह देता हूँ कि आपने अपना पहला टीका खाया, देश के संसाधन आपने वेस्ट कर दिए हैं जी। यदि आपको उतना समय हो गया है कि टीका आपको लगना चाहिए था, देर से लगवाइए, लेकिन टीका दूसरा जरूर लगवाइए। वो आपको पूर्ण सुरक्षा के करीब करीब सुरक्षा देगा कोविड संक्रमण से। जब आपको कोविड संक्रमण अनजाने में हो जाएगा, या तो आप गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे होंगे या अनजाने में हो जाएगा, तब आपको आईसीयू में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोगों में जिनको दूरवर्ती के लगे होते हैं उनमें मृत्यु दर काफी कम पाई गई है, तो टीकाकरण में बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी है। मेरे दोनों मित्र राजीव भाई और अभय नारायण जी बैठे हैं, मैं बहुत जोर से कहना चाहता हूं कि जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है वो पहले सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, बाद में किसी विचारधारा से जुड़ते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना कर्तव्य मत भूलिए। आपको लोगों को जागरूक करना है कि टीका छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में अब उपलब्ध हो गया है जी, किसी कारण टीके की उपलब्धता बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण बात की तरफ डॉक्टर राकेश इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन का पालन करना कभी न भूले, जिनको टीका लगा हो वो भी, जो को टीका ना लगा हो वो भी, इससे हम कोविड की तीसरी लहर को कामयाब कभी न भूले। बिल्कुल अप्रिशिएटेबल बात है ये, डॉक्टर राकेश बहुत अच्छी बात कह रहे हैं जिस पर जरूर सरकारों को और आम जनता को भी ध्यान देना चाहिए। फोकस हमारा वैक्सीनेशन पर और तेज होना चाहिए। छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया दोनों राजनीतिक मेहमानों से। राजीव जी ठीक है, आप विपक्ष में आप आवाज उठा रहे हैं, आपने आरोप भी लगाए हैं, लेकिन किसी एक राजनीतिक दल का काम तो नहीं है ना महामारी से लड़ना। बतौर विपक्ष में बैठे आपकी पार्टी क्या सुझाव देगी सरकार को, या आप अपनी सहभागिता को किस तरह बताएंगे? बीजेपी कैसे अपनी भूमिका निभा रही? विपक्ष में बैठे आपकी पार्टी कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी का जो एक विंग है सेवा भारती, उसने काम किया, गरीबों के बीच में सूखा राशन या गीला राशन बांटा है। इसके अलावा कोरोना के बाद जो कोरोना के लिए अवेयर करना, कोरोना के लिए फेस मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना, ये लगातार हम जनता के बीच में रहते हैं। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब से इत्तेफाक रखता हूं कि हमें मिलकर लड़ना होगा, इस बात पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ में या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपके चैनल से आपके हजारों दर्शकों को ये संदेश देना चाहूंगा कि कोरोना का खतरा गया नहीं है और हमें आज भी वैक्सीनेशन के बाद भी, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी 80% है, उसके बाद भी हमें मास्क का उपयोग करते रहना पड़ेगा, भीड़ से बचना पड़ेगा और जो डिस्टेंसिंग है, जो SMS है, सोशल डिस्टेंसिंग मास्क, ये बहुत अच्छा जेस्चर है। बतौर बीजेपी जो इस वक्त विपक्ष में भी है, उन्होंने पहले लहरों में भी काम किया था। राजीव जी भी अपनी सहभागिता बता रहे हैं। छोटी सी प्रतिक्रिया अभय जी, मेरे पास समय की बहुत कमी है, आप दावा तो कर रहे हैं कि तैयारी पूरी है, लेकिन अभी भी गंभीर है मामला, लोगों को जागरूक करना ही होगा अभी की स्थिति को लेकर और बीजेपी के इन बातों को लेकर, आप छोटी सी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? लेकिन अभी भी गंभीर है मामला, लोगों को जागरूक करना ही होगा अभी की स्थिति। बिल्कुल, मैं भी डॉक्टर राकेश गुप्ता जी और राजीव भैया की तरह लोगों से अपील करूंगा कि जो भी इस वक्त बंसल न्यूज देख रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से भी वो लोग अपील करें कि हम मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें और वैक्सीनेशन जो लोग एक भी डोज नहीं लिए हैं वो चिंता का विषय है, सिंगल डोज ले, जो सिंगल ले लिए वो डबल डोज ले,
और खतरा टला है, खतरा गया नहीं है, ये मान के कि हम कोरोना की तिथि लार नाए, माँ लक्ष्मी के कल हम सब पूजा करें, भगवान धनवंतरी से प्रार्थना करें कि सब लोग स्वस्थ रहें, हमारा प्रदेश स्वस्थ की ओर। बहुत अच्छी आपने अपील की है दर्शकों से भी, लोगों से भी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, राजीव जी, अभय जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हमने उन पहलुओं पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बंसल न्यूज भी आप सभी से अपील करता है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना कोरोना का वैक्सीन का टीका अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो जल्द से जल्द लगाएं, महामारी अभी गई नहीं है। इस खास चर्चा